वेलकम बैक एवरीबॉडी। एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि काफी सारे जने यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इंडेक्स फंड बेटर है कि म्यूचुअल फंड बेटर है। तो कोशिश ये करेंगे कि आपको समझ में आए एंड हम आप इसका आंसर खुद ढूंढ पाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फंड से। इंडेक्स फंड को बेसिकली एपिटोम ऑफ सिंप्लिसिटी कहा जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड बेसिकली जो आपके टॉप इंडाइसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करने की कोशिश। उनका जो की एम होता है, उनका की एम ये होता है कि वो लोग टॉप बेंचमार्क्स को यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट कर पाए। अब आपको इंडेक्स फंड देखने को मिलेगा निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, और भी काफ़ी सारे इंडाइसेस हैं जिनका आपको इंडेक्स फंड देखने को मिलेगा। तो इंडेक्स फंड के अंदर कंपैरेटिवली रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ओवर द ईयर्स आप देखेंगे निफ्टी बनी है, तब से लेके निफ्टी आज किन लेवल्स तक पहुंची है, तो ये ओवर द ईयर्स निफ्टी ने रिटर्न जनरेट करे हैं। तो आपको ये एक फैक्टर हमेशा समझना चाहिए कि इंडेक्स फंड का काम होता है बस ये परफॉर्मेंस को रेप्लीकेट करना। ऑन दी अदर हैंड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वहाँ पे आपको एक वैरायटी मिलती है, और म्यूचुअल फंड्स की सक्सेस डिपेंड करती है म्यूचुअल फंड मैनेजर पर, क्योंकि वो जो है आपके लिए सिलेक्ट करने वाले हैं टॉप सिक्योरिटीज को जो वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे आपके बिहाफ पे। अब म्यूचुअल फंड्स में आपको काफ़ी सारी थीम्स दिख जाएंगी, ईवी थीम, एआई थीम, सेक्टोरल जिसे हम लोग बोलते हैं, आपको यहाँ पे थीमेटिक देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको मल्टीपल स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी, कोई मनी सेवर होगा, कोई टैक्स के लिए होगा। तो आपको एक की डिफरेंशिएट ये करना है कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एज एन आउट इन एंड आउट एक नया फंड बनाते हैं जो कि उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड मैनेजर पे, जो उनके मैनेजर हैं वो किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं उसको। जहां हम लोग बात करते हैं इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड रेप्लिकेट कर रहा होता है मार्केट इंडाइस को, एंड उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉक्स के रेशियो को एग्जैक्टली उसके अंदर डालना। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मार्केट में ETF और एक चीज होती है विच इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड्स, एंड हम लोग जल्दी इस टॉपिक को कवर करेंगे द डिफरेंस बिटवीन ETFs एंड द इंडेक्स फंड्स, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एंजल वन पर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, वहां स्टॉक्स बाय करना है कितना आसान। प्लीज इस स्टॉक को रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस ओनली। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे एंजल वन के ऐप पर, एंड हम लोग सर्च करेंगे HDFC बैंक को। इसके बाद में हमारे पास में डेटा आएगा HDFC बैंक का, एंड हम लोग यहाँ पे जाएंगे बाय पे। बाय पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपने लिए एक बेटर प्राइस थ्रू लिमिट ऑर्डर, एंड हम लोग बाय की बिड लगाकर यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको पसंद आया तो, एंड फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।